आइए समीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं फिर से, जो इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ उसको देख लीजिएगा, सबसे बेसिक बताया हूँ, वो पार्ट वन था, पार्ट टू ये हो जाएगा। आप देखते चलेंगे इसे और बहुत आसानी तरीके से आप बना सकते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन कैसे है, सबसे पहले मैं बेसिक जान लेता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे 3y लिखे हैं तो इसको समझ जाइए, पहले इसके बीच में सिंबल जो होता है 3 × y लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। एक और बात जान लीजिए, अगर 2x लिखते हैं, 2x लिखते हैं तो इसके बीच में क्या किसका सिंबल होता है, बोलिए 2 × x, बस इतना ध्यान रहना चाहिए। अगर 5m लिखे हैं तो कैसे लिखिएगा, 5 × m लिखना है, बस आसानी तरीका से आप बना सकते हैं समीकरण को। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। इक्वल टू देना नहीं भूलना है, इक्वल टू देना ही है, तो 2 लिखकर देखिए वैसा ही जो बताया है बेसिक में वैसा ही करना है आपको, 2 × x इक्वल टू जो जैसा है वैसा ही लिख देना है, जेव के तेव लिख देना है, फिर इक्वल टू ये देख लीजिएगा, कभी भी याद रखिएगा x के साथ या वाई हो या कुछ कुछ हो, इसके साथ अगर गुना में कोई भी अंक हो तो ये कभी भी ये बट्टा में भागेगा, कहां भागेगा, बट्टा में, समझ जाइए ना। यहाँ पे इसका पापा जी है, पापा जी इनके साथ नहीं रहने देंगे तो ये भागेगा नीचे, किसके, ये 10 के नीचे भागेगा, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 10 लिख दीजिए और इसके नीचे कितना आएगा, 2, बस। अगर कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं आप लोग, 2 × 5 = 10, 5 आ गया कि नहीं, इसे कटाइए या छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर 5 आ गया, बस। यहाँ देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आप समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे, 3 × x = 18, तो x इक्वल टू कितना लिखेगा, बोलिए जल्दी कितना लिखेगा, 18/3, बस। अगर कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं इसे, 3 × 6 = 18, कट गया, बस इतना ही करना था। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए कैसे लिखिएगा, पहले कैसे इसके बीच में मल्टीप्लाई बैठेगा, एकदम गलती हो जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मारधार हो जाएगा। 24 ये समझ जाइएगा, ये कहां जाएगा, 12 कहां जाएगा ये बताइए जल्दी, कहां जाएगा, समझ गए होंगे, x के साथ नहीं रहना चाहेगा, यानी 12 नीचे जाएगा, x इक्वल टू कितना लिखेगा, 12 × 2 = 24 हो गया। बोलिए धमाकेदार क्वेश्चन है कि नहीं है ये बताइए पहले, और इसके बाद इसे बनाइए जल्दी, बनाइए जल्दी, कैसे बनेगा, 25 × x = 3, और बोलिए इसको x को ऐसे ही लिखिए, इक्वल टू 3 × 25, तो x इक्वल टू कटाना चाहिएगा, कभी नहीं होगा, इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा, समझे, देख लीजिए कटने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाइए तो जल्दी जल्दी बनाइए इसे, 6 × y = 9, तो y इक्वल टू बोल दीजिए कितना होगा जल्दी, 9 = 9, और ये 6 कहां जाएगा, बोलिए जल्दी, बट्टा में, बाई में जाएगा, तो 6, अब बोलिए कटाना चाहिएगा, y इक्वल टू 3 × 3 = 9 × 3 = 6, कट गया, अभी भी कटाइएगा, कभी नहीं कटेगा, 2 × देखिए ना, 2 × समझ गए होंगे आप लोग, 9 हो गया, 2 × 9, तो m इक्वल टू कितना लिखेगा, 9, और 2 कहां जाएगा, समझ गए होंगे, बस हो गया आंसर, है ना आसान क्वेश्चन, है कि नहीं है, बोलिए जल्दी। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी नोट कीजिए और अपनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना ही ये बहुत बड़ी बात है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, सिर्फ देख लोगे, टुकुर टुकुर देखोगे, उतारोगे नहीं तो कहां से काम चलेगा, चलेगा कभी काम, ऐसा सीख नहीं मिलेगा, सिर्फ देखोगे, 2 मिनट के लिए याद रहेगा, 3 दिन के लिए याद रहेगा, उसके बाद भूल जाइएगा, तो इसलिए नोट कीजिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू वेरी मच।